प्रधानमंत्री जी पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से प्रवेश हो गया। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं, केशव पाराशरण जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित हैं। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र को गर्भगृह में गोविंद देवगिरी जी श्री राम के गर्भगृह की ओर बढ़ाते हुए, एक एक कदम बढ़ाते हुए, अनेक मंडपों को पार करते हुए, पांच मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर, क्यों न हो। भगवान श्री राम पधारे हैं। भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे, वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। प्राण प्रतिष्ठा का समय, अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का। अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है। यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न हैं हनुमान जो कि महाराजा धीराज हैं। आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव जिनकी नगरी से पधारे, ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं, वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे, और साथ ही साथ पुरानी
जो विग्रह है उसके 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 समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं, और बहुत ही पवित्र दिन आज का और द्वादशी का दिन, कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की। हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया,
यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।